आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है स्मार्टफोन्स। क्या आप जानते हैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से हमारे दिमाग की नसें ब्लॉक हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें इस नुकसान से बचने के लिए एयरफोन्स या हेडफोन्स का यूज़ करना चाहिए। मार्केट में अलग अलग वेराइटीज़ की एयरफोन्स, वायरलेस एयरफोन्स, हेडफोन्स अवेलेबल हैं। आज हम आपको एयरफोन्स के बारे में कुछ 5 ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे जो आप ध्यान रख के एयरफोन्स खरीदें। डिज़ाइन, एप्पल के एयरपॉड्स की तरह बॉस, सेनहाइजर, सोनी और सैमसंग के एयरबड्स भी बुलेट या एक डॉट की तरह आते हैं। इसके अलावा स्कल कैंडी, टोरेटो, स्टफ कूल और बॉट जैसी कंपनी भी ट्रेंडी और फंकी शेप और साइज वायरलेस एयरबड्स बनाती है। आप ऐसा एयरबड्स लें जिसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसे चलना आपके लिए समस्या ना हो। स्टेबिलिटी, यह डिज़ाइन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कानों में एयरबड्स लगेंगे नहीं तो वो एयरबड्स किस काम के होंगे। इसलिए जब भी आप एयरबड्स खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका साइज आपके कानों में फिट बैठ रहा हो। थर्ड, कनेक्टिविटी, जब भी आप वायरलेस एयरबड्स लें तो ध्यान रखें कि वो आसानी से आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सके और आसान और लंबे चल सके। कुछ एयरबड्स में यह भी सिस्टम होता है कि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कुछ एयरबड्स बटन से ऑफ और ऑन होते हैं, कुछ ब्लूटूथ से, तो कुछ को लंबे समय तक या 2 सेकंड के लिए दबाना पड़ता है। फोर्थ, कैरी केस, बेसिक एयरफोन को आप किसी भी तरह से रख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है वायरलेस एयरफोन की तो उनका रखरखाव अलग होता है। वायरलेस एयरपोर्ट्स लेते समय ये ध्यान रखना होगा कि इन्हें रखने के लिए जो केस कंपनी दे रही है वो एयरपोर्ट्स के लिए ठीक है या नहीं, यह देखना भी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, बैटरी और चार्जिंग, वायरलेस एयरफोन जैसे छोटे से इस उपकरण को लगातार इस्तेमाल करने के लिए चाहिए एक अच्छा बैटरी बैकअप और चार्जर। वैसे तो बहुत ही से एयरबड्स 3 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। इनकी चार्जिंग की बात की जाए तो कुछ वायरलेस एयरबड्स की चार्जिंग उनके केस से जुड़ी होती है और कुछ तार से चार्ज होते हैं। तो ये थी आज की हमारी ये 5 इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखें आप एयरफोन्स या हेडफोन्स लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।